हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक स्टैटिक जीके का भारत की नदियों से रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आया हूं। 40 अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और जो आने वाले 5-6 महीने में एग्ज़ाम होने वाले हैं। SSC, रेलवे, बैंकिंग, PSC, पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम होने वाले सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को स्किप ना करते हो, लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये टॉपिक ऐसा है जो 100% एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से श्योर रहता है, पक्का रहता है, ठीक है। तो इस आप टॉपिक को ज़रूर तैयार कर लें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है उसमें क्लिक करके साथ में जो बगल में बेल आइकन है उसको भी जरूर ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी रेगुलर वीडियोज़ मिलती रहे एग्जाम से रिलेटेड। वीडियो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें और इसे अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, सभी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दें जितने भी आपके फ्रेंड्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी की हेल्प कर दीजिए। चलिए, फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं ये? दोस्तों, इसमें पूरे क्वेश्चन में आप, यदि आपको पता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपना आंसर। तो मैं बता देता हूँ, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी, ठीक है। वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदियाँ? गोदावरी की। देखिए दोस्तों, गोदावरी नदी से रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है गोदावरी नदी का? तो आपको याद रखना दोस्तों, नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी, ठीक है, से इसका उद्गम स्थल गोदावरी का, महाराष्ट्र में आता है नासिक। और इसका जो दोस्तों नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, इसकी लंबाई याद रखिए गोदावरी नदी की 1465 किलोमीटर है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है गोदावरी नदी को। इसकी जो अन्य सहायक नदियाँ और आपको बता दें, पैन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और पुराना वैन गंगा, वर्धा, ये महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? गोदावरी की। और गोदावरी नदी से रिलेटेड जितने भी मैं आपको फैक्ट बताया याद रखेंगे। इसी तरह मैं हर क्वेश्चन में आपको दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, तो वीडियो क्लास तक देखते रहें। दूसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सतलज, ठीक है, सतलज हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखें कि सतलज नदी, सिंधु नदी की सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, सतलज। अब सतलज नदी के बारे में आपको बता दें दोस्तों कि सतलज नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप से ये निकलती है, राकसताल से। इसकी जो लंबाई दोस्तों याद रखेंगे सतलज की 1500 किलोमीटर है, ठीक है, 1500 किलोमीटर है। और भारत में इसकी 1050 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है, टोटल लंबाई 1500 लेकिन भारत में इसकी है 1050 किलोमीटर। और शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है, ठीक है। और सिंधु नदी की अगर बात करें दोस्तों, सिंधु नदी से, तो सिंधु नदी दोस्तों कहाँ से उद्गम स्थल एग्जाम में पूछा था? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, अरब सागर के सनोख्यावाद हिमनद से, ठीक है, सिंधु नदी। और सिंधु नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई सिंधु नदी की। और इसकी जो भारत में लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखेंगे। और इसकी सहायक नदियाँ हैं सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास तथा झेलम। तो ये आप दोनों जो मैं फैक्ट बताया हूँ सिंधु और सतलज से जरूर याद रखेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे, इसका रिवीजन करते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कर, इस वीडियो का टारगेट लाइक सकते हैं आज का 15,000 का। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो इसका आंसर, यदि आपको आंसर पता है तो आप हमारे साथ सॉल्व करते रहें, तो ऑप्शन सी, सतलज, ठीक है, सतलज। सतलज नदी के बारे में मैंने बता दिया, इसका जो उद्गम है वो मानसरोवर झील तिब्बत में, ठीक है, राकसताल से, और इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर, सतलज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, साबरमती, ठीक है। देखिए दोस्तों, साबरमती के बारे में आपको बता, जिसका उद्गम स्थल कहाँ पे? उदयपुर ज़िले में अरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्र झील, ठीक है, साबरमती, जय समुद्र झील। कहाँ गिरती? खंभात की खाड़ी में। इसकी लंबाई है साबरमती की 371, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। अगर आप रेलवे ग्रुप डी NTPC एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपके लिए एल बुक पुलिसर द्वारा स्पेशल नोट्स, PDF नोट्स तैयार किए गए हैं। उस PDF नोट्स में दोस्तों आपको 4000 वन लाइनर क्वेश्चंस, मैथ्स के ट्रिकी क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और 20 मॉक टेस्ट आपको फ्री मॉक टेस्ट 2C में मिलेंगे। और आप सोच रहे होंगे इस बुक की प्राइस बहुत होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, मात्र 35 रुपीज़ में सारा आपको पैकेज मिल रहा है रेलवे ग्रुप के लिए। तो आप इस स्पेशल बुक को परचेज कर सकते हैं। PDF नोट्स दोस्तों याद रखेंगे आप, हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है, 35 रुपीज़। अगला क्वेश्चन है, शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? शारदा नदी का उद्गम स्थल, तो इसका आंसर दोस्तों आपको पता है तो आप बता सकते हैं, ऑप्शन ए मिलाम हिमनद, ठीक है, मिलाम हिमनद, तो आप याद रखेंगे। शारदा नदी के बारे में आपको बता दें कि ये मिलाम जो है कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद, और दोस्तों ये बहराम घाट के समीप घाघरा नदी से ये इसका मुहाना है, ठीक है, संगम है, और 602 किलोमीटर इसकी लंबाई है शारदा नदी की, ठीक है। आपको बता दें कि सहायक नदियाँ कौन सी, शारदा नदियाँ की, शारदा नदी की सरमा, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा और चौकिया, ठीक है। शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? मिलाम हिमनद। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? गोदावरी नदी, त्र्यंबक गांव, ठीक है, ऑप्शन बी त्र्यंबक गांव, ये कहाँ पे आता है? नासिक जिले में, महाराष्ट्र में, त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी में, और कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी टोटल लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर, ठीक है, और इसे वृद्ध गंगा कहा जाता है। सहायक नदियाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पुराना, बैनगंगा और प्रावदायम वर्धा, ठीक है, तो आप याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। लूनी नदी किस में गिरती है? लूनी नदी दोस्तों, लूनी नदी कच्छ के रण में, ठीक है, कच्छ के रण में ये, तो ये लूनी नदी के बारे में आपको बता दें कि कहाँ पे इसका उद्गम कहाँ पे है, तो अजमेर ज़िले में दोस्तों, नाग पहाड़ कच्छ की, कच्छ का रण में अरावली पर्वत से, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर, और ये भारत की दोस्तों एकमात्र अंतर्वाही नदी है, ठीक है, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है लूनी नदी, तो ये फैक्ट याद रखेंगे दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लीजिए, नदियों से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? चंबल नदी तो जानापाव पहाड़ी, ठीक है, ऑप्शन बी जानापाव पहाड़ी। चंबल नदी के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों ये जानापाव पहाड़ी आती, मध्य प्रदेश महू के समीप जानापाव पहाड़ी सिंगार चोटी से, ठीक है, और इसकी जो लंबाई कितनी दोस्तों इस नदी की, चंबल नदी की, 995 किलोमीटर, और यह दोस्तों देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंध, काली, पार्वती, ठीक है, बनास, तो ये आप याद रखेंगे, चंबल नदी जानापाव पहाड़ी महू के समीप। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी। और ये उद्गम स्थल कहाँ पे है? कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मागिरी पहाड़ी, ठीक है, ब्रह्मागिरी पहाड़ी कर्नाटक के कुर्ग जिले में, और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 800 किलोमीटर, ठीक है, 800 किलोमीटर, कावेरी नदी। और दोस्तों कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है, और इसमें शिव समुद्रम जलप्रपात और श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, ये इसका जो है द्वीपों की स्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। तो कावेरी नदी याद रखें कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, और इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? कर्नाटक के कुर्ग जिले स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी में, टोटल लंबाई 800 किलोमीटर, और गिरती कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन 10th है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो, सांगपो नदी, क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सांगपो नदी किस नदी को कहा जाता है, भारत में किस नाम से जानी जाती है सांगपो? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। देखिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसी को सांगपो कहा जाता है, तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग और असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? दिहांग, ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए ब्रह्मपुत्र के बारे में आपको बता दें दोस्तों कि ये मानसरोवर झील में, मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है, चेम युंग डुंग हिमानी से, और इसकी टोटल लंबाई दोस्तों 2900 किलोमीटर, ठीक है, 2900, भारत में अगर बात करें तो 916 किलोमीटर है भारत में, ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? दिबांग, लोहित, कामेंग, सबसे महत्वपूर्ण है मानस और तीस्ता, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय पार नदियाँ कौन सी हैं? 11 नंबर क्वेश्चन है, तो ब्रह्मा, सिंधु और सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु और सतलज। भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदी, दो नदियाँ कौन सी, भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियाँ कौन सी, दो नदियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती है?
तो अमरकंटक मध्य प्रदेश से, ठीक है, सोन और नर्मदा अमरकंटक मध्य प्रदेश से, अमरकंटक की पहाड़ियाँ। और पटना के समीप गंगा में मिलती है सोन नदी, उसकी लंबाई सोन नदी की 780 किलोमीटर, 780 किलोमीटर, ठीक है। और नर्मदा के समीप इसका उद्गम स्थल है। और दोस्तों अगर बात करें नर्मदा नदी की, नर्मदा नदी दोस्तों कहाँ पे निकलती है, तो ये भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। तो आप याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो ये रखा गया था राजक सरकार यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी इंग्लिश में NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र होता है विश्व का बृहत्तम डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मानसरोवर झील, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्यावाद हिमनद से। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है सिंधु नदी की, और भारत में 1114 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेत्रावती नदी बहती है, नेत्रावती नदी तो ये दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है, ऑप्शन सी दक्षिण की ओर। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है? भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कावेरी गंगा और महानदी, ऑप्शन सी कावेरी गंगा और महानदी। 19 है हमारा, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी ऑप्शन है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। इसका जो दोस्तों जल ग्रहण क्षेत्र है यानी कैचमेंट एरिया जो है भारत के 7 राज्यों में है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा और में विस्तृत है ये, ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 20 है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं सुंदरवन का डेल्टा। इंडो ब्रह्मा नदी कौन सी है? इंडो ब्रह्मा नदी एक पौराणिक नदी, ठीक है। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? शिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, शिप्रा नदी, ठीक है, चंबल नदी की। शिप्रा नदी दोस्तों इंदौर जिले के काकरीबड़ी नामक स्थान से, काकरीबड़ी नामक पहाड़ी से निकलती है, और इसी चंबल नदी इसका जो है मुहाना है, ठीक है, संगम है, सॉरी संगम है। और 560 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ठीक है, 560 किलोमीटर। और इसके किनारे जो है दोस्तों उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी किनारे ही बसा है, और प्रतिवर्ष 12वें वर्ष यहाँ पे कुंभ भी लगता है, ठीक है, क्षिप्रा नदी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? ताप्ती नदी, ठीक है, ताप्ती नदी जो है रिफ्ट वैली रिफ्ट घाटी से होकर बहती है ताप्ती। और ताप्ती की बात करें तो ये दोस्तों बैतूल जिले के मध्य प्रदेश मुलताई से, ठीक है, इसका जो है उद्गम स्थल है, और सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। 724 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है ताप्ती की। और डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है, ठीक है, एस्चुरी पूर्णा इसकी सहायक नदी है। ताप्ती नदी के बारे में आप जरूर याद रखें, रिफ्ट घाटी से होकर बहती है ताप्ती नदी, और डेल्टा के बजाय ये एस्चुरी बनाती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कावेरी नदी तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ठीक है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक के कुर्गा जिले में स्थित है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। और आपको बता दें बंगाल की खाड़ी में इसका जो है गिरती है, 800 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नहीं है? लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी, ठीक है, ऑप्शन है सिंधु नदी। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, ठीक है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, जिसकी 1465 किलोमीटर लंबाई नासिक के त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। पापाधन एवं चित्रावती की सहायक नदियां कौन सी हैं? पेन्नार, ऑप्शन ए पेन्नार। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो आपको मैंने बताया दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी, ऑप्शन बी। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निम्न में से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो गंगा नदी, बाकी सब ये तिब्बत मानसरोवर झील से निकलती हैं। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु,
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस नदी को बृहत गंगा और प्राचीन गंगा और दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी, ठीक है। बृहत गंगा, प्राचीन गंगा और दक्षिण गंगा के नाम जाना जाता है गोदावरी। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? बनास एवं लूनी से, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? बनास एवं लूनी से। कौन सी नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ठीक है दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कावेरी नदी पर बना है, ऑप्शन बी कृष्णराज सागर बांध। क्वेश्चन नंबर 37 है, बंगाल की खाड़ी में विलुप्त होने से पहले महानदी किन दो राज्यों से होकर गुजरती है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी नदी भारत के किन दो राज्यों से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व किन दो राज्यों से होकर गुजरती है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों नदियों से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और नेक्स्ट किस टॉपिक वीडियो चाहिए आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।